नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रीटेस्ट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज का प्रीटेस्ट को आप लोगों को पूरा करना, और आपको पता है कि आपका जो री एग्जाम है वो लास्ट जून में होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर है बताना, क्योंकि आप लोग ने अपना स्कोर नहीं बताते हो, क्योंकि आप लोगों का लगता है अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है जब भी आप लोग डरते हो। तो आपको डरना नहीं है, अपना स्कोर भले आप 10 प्रश्न सही करो लेकिन स्कोर जरूर बताया करो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। 39 का राइट आंसर तो कुछ है, क्या कुछ ये एक सर्वनाम शब्द है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में विशेषण शब्द है, तो बताओ इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शांत, शांत ये एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, बताओ कौन सी है जो प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जगाना यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि निम्न में अव्यय है, बताओ कौन है। तो निम्न में से जो अव्यय है वो है आ है। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि आँख का पर्यायवाची है, तो बताओ इनमें से कौन है जो आँख का पर्यायवाची है। तो लोचन ये एक आँख का पर्यायवाची है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 की मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो बताओ इनमें से कौन सा रस है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एक शांत रस है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 45 एवं 46 के लिए कि शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करें। तो इनमें से तीन विकल्प हैं जो एक से, जबकि चौथा है वो गलत है। तो तक्षक, तो बताओ तक्षक का कौन सा गलत हो जाएगा। तो तक्षक का शिलान्यास ये अलग हो जाएगा। 45 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 46 में भाव, तो भाव में कौन सा अलग हो जाएगा, तो भाव में भवन, क्योंकि भवन घर है, घर होता है, और दर अभिप्राय और विचार इसके जो शब्द हैं वो भाव से मिल रहे हैं। तो 46 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 47 एवं 48 तक के लिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो 47 और 48 में आपको रिक्त स्थान भरना है कि आज के वैज्ञानिक नए नए डॉट डॉट द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, तो आपको पता है कि वैज्ञानिक करते हैं आविष्कार। तो आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह डॉट डॉट हो सकता है, तो यह क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि कोई भी रोग क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है संक्रामक है। तो बस संक्रामक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने सछात्र का समुचित संधि विच्छेद, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सत प्लस सात्र।
49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक आप लोग जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, तो ये कौन से समास का विग्रह पद है, तो ये है अलूक तत्पुरुष का। 50 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो कौन से भाषा परिवार से है, तो कन्नड़ का जो संबंध है वो है द्रविड़ भाषा परिवार से। 51 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, तो बताओ कौन नहीं है। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अव्यय ये पदबंध का भेद नहीं है। 52 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह में कौन सा सर्वनाम है, तो बताओ वह में कौन सा सर्वनाम है, तो वह एक है निश्चयवाचक सर्वनाम। 53 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 54 से 56 की निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम शब्द छांटिएगा। तो यानी आपको जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। कि 54वां प्रश्न है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो आपको योग का विलोम शब्द बताना है। तो योग शब्द का विलोम शब्द होता है भोग। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 55 की उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, तो बताओ उत्तरीय के विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 55 का राइट आंसर, तो उत्तरीय के विलोम शब्द होता है अधो वस्त्र। 55 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, तो बताओ ओजस्वी, ओजस्वी का आपको विलोम शब्द बताना है कि ओजस्वी, तो इसका विलोम शब्द होता है कांतिहीन। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, शैतान की आंख, तो ये होता है बहुत लंबी वस्तु। 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, तो ये कौन से अलंकार का लक्षण है। 58 का राइट आंसर तो ये है अनुमान का। 58 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये विकसित हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आती हो तो डिसलाइक आप लोग जरूर किया करो, लेकिन कुछ ना कुछ लोग जरूर किया करो। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं, तो कौन है जय भारत के रचनाकार, तो ये हैं मैथिली चरण गुप्त। 60 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया, तो किसका उपदेश नहीं दिया था, तो कबीर ने स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया था, बाकी के मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जाति प्रथा का खंडन किया था, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया था। 61 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है, तो बताओ पद्मावत क्या है, तो ये है समासुक्ति। 62 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 63 से लेकर के 67 ये निम्नलिखित वाक्यों में उनके
प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यारालाबा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। तो चलिए चुनते हैं 63 में पहला और छठवां हम लास्ट में रखेंगे। तो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो किसके साथ भेजे जाते हैं? तो फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, तो यानी रावाला से हमें मिल गया है। तो रावाला विकल्प कौन सा है? तो ये है डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाए। अब हम पूरे वाक्य को पढ़ लेते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पति वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। यानी 63 का राइट आंसर डी वाला विकल्प है, ये सही अर्थ दे रहा है। चलेगा 64 में देखते हैं कि पहला क्या भेजना है कि एक फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। अब फोटोग्राफर के क्या साथ आना चाहिए? तो फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य। यानी इसमें अभी सब रावाली से हमको अर्थ सही लग रहा है। तो रावाला के हिसाब से देखते हैं, ए के हिसाब से अगर ए के हिसाब से सही अर्थ निकलता है तो फिर 64 का ए राइट आंसर है हो जाएगा। प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय का प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी ए वाला है वो राइट आंसर है बता रहा है, 64 का ए हो जाएगा। और 65 प्रश्न है आपके सामने कि प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, अब कभी भी इसके बाद बताओ, कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। तब ये हीन भावना कौन सी में? ला, तो ला है सी में। तो 65 का हम सी के हिसाब से देखते हैं। हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। यानी 65 का जो राइट आंसर है वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या आपके सामने है 66, इसमें भी देखते हैं। व्यावसायिक बराती अपने अनुभव का लाभ उठा, अब इसके बाद लाभ उठाकर क्या होना चाहिए बताओ? लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ। यानी या किसके में? या है तो डी के हिसाब से हम देखते हैं। तो व्यावसायिक बराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं, दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाती है, निपुण बराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं। यानी 66 का डी इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा। ओपन संख्या 67 में मिलाना है कि तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चलेगा। तो ये कौन वाले में? अयोध्या ला वाले में। तो ला कौन से विकल्प है? तो ए वाले में। तो 67 का ए में देखते हैं। अयोध्या चलेगा, वहाँ उन्होंने रामचरित मानस लिखा, वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरित मानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं जिन्होंने विनय पत्र का गीतावली कविता रामायण रामलला रंचू और हनुमान बहू अधिक प्रसिद्ध हैं। 67 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 73 से 75 के लिए कि प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, 34 शुद्ध रूप में लिखे गए शब्द का चयन करें। तो यानी आपको जो रेखांकित शब्द इसकी वर्तनी आपको शुद्ध बतानी है। तो उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, तो यानी कवित्री की शुद्ध संधि मतलब शुद्ध शब्द क्या होगा? तो आपको पता है
कि इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है कवयित्री। 73 का आंसर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 74 में बताओ कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, तो श्रुति लिपि ये बी वाला विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है कि भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो दुष्चरित्र की संधि के मतलब दुष्चरित्र ये शब्द किस में सही लगा, तो ये लिखा है 75 का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही शब्द है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक आप लोग जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।